अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। भाई आज आया है, आज पर्सनली तौर पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनानी थी, मतलब सीरियसली कोई वीडियो बनाने का सीन नहीं था, लेकिन क्या है, आ गए मुर्शद। डैम आ गए मुर्शद। तो फिर मैंने कहा भाई कल नहीं बनाएंगे, आज बना लेते हैं। तो आज हम करेंगे दो गानों पे रिएक्ट से ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और भाई जेन बहुत न्याजी बात आया, 69 काम छोड़ दे। तो भाई फलसफे और एक साथ साथ गाना आया हाशिम भाई का, तो खैर फलसफे बिना टाइम जाएगी बाबा जी। यस कमांडो यार, गुलिस्तान में फूल खिले रोज, चले लेकर चले तो ना रहे होश, जुलूस जब तक ना होश, खुलूस से क्यों नहीं आके मिलते लोग, बात होश हो के शाम में लगे हुए काम में, टू फर्स्ट नेम्स वजन देख मेरे नाम में, नहीं नहीं मैं नहीं करता रूहानी इलाज, पर हमाम में I do it for my bros and I'll do it for life. You mad about the views and desperate for likes. Tight, my toque on that baby blue. Malik on the beat like a lion on the loose. As in the gate, to the world ke liye par. Karta nahi ke liye darta hoon ke na jaun mar. But I hope maut aaye samne se wordplay cut throat through and through card de de. I'm on it. Main manzil pe gamzan. Kharche kam karo to khud badh jayegi aamdan. Main rhyme hai. Thank you.
अच्छा भाई सबसे पहले तो बहुत ही रैंडम वीडियो, बहुत ही रैंडम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा लग क्या रहा था, अगर तुम देखते हो द लांजुम और रैप डेमन की स्टोरीज तो लास्ट में तुम्हें वो नज़र आएंगी जिसमें वो आपस में बात कर रहे थे मेरे ख्याल से मोबाइल पे के इसके, मेरे ख्याल से तला यूनस के क्या तला अंजुम के वो स्टार आ गया था, क्या कहते हैं स्टार नहीं, वो टिक आ जाता वेरीफाइड हो जाता है इंस्टाग्राम, वो स्टोरीज थी। और मेरे ख्याल से बहुत ही रैंडम वीडियो बनाई गई है, बस गए हैं बाहर जाके लाइंस बोली हैं और आ गए और कुछ ऐसी रैंडमली शॉर्ट्स लिए गए हैं। अब हल्का बहुत आपको नशा चढ़ेगा क्योंकि अब मैं कैसे बताऊँ यार, अब कुछ गाने होते हैं जो हम लोग रात को बैठ कर, जब स्पेशली जो सिंगल्स होते हैं वो रात को बैठ के आप इस तरह के गाने सुनते हैं कि क्यों मैं बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं समझ आ रही, लेकिन हाँ मतलब ये नहीं होती चश्मे आके हाई जोन गाना पूरा, मतलब आप एक वाइब में चले जाते हो और आप बस आराम से बस सुनना चाहते हो, कुछ सोचना नहीं चाहते। एक होता है हम गाने लगा के सोचते हैं, कोई फैंटेसी सोचते हैं, ये गाना आप बस सुनना चाहते हो, कुछ ऐसी वाइब आएगी। यार मैं बहुत वियर्ड बोल रहा हूँ बहचूत, लेकिन हाँ ये सच है, ऐसी आपको आएगी। अब सीजन, अब यार मैं देखो सीजन देखता नहीं हूँ लेकिन अभी भी मैं अपने दोस्त ने मुझे मतलब दिया ये कौन सा सीजन है, कौन सा मनी हीस्ट के मनी हाइस्ट पता नहीं कौन सा, वो देखना अभी मैंने। और पाब्लो चाचा वो जो था वो मैंने भी तीन देखे, सारी दुनिया ने दो देखे, मैं वाहिद बंदा जो पाब्लो मर गया उसका भी आखिरी सीजन मैं तीसरा देखा मैंने। तो हाँ अब कहीं ना कहीं वो एक सीज़न है। देखो भाई मुझे ब्रेक डाउन करने का कोई शौक नहीं, मुझे समझ आ जाती है लेकिन मैं करता नहीं क्योंकि मैं रिएक्ट करता हूँ, इंजॉय करता हूँ और व्यू करता हूँ, मतलब रिव्यू देता हूँ सिर्फ इंजॉय, ब्रेकडाउन वाला सीन ही निकलना मुझे नफरत मुझसे नहीं किया जाता, मुझे आवाज़ आ रही होना शुरू हो जाती है मेरे जिस्म के बीच। हाँ लेकिन पीके ब्लाइंडर्स को ये एक ऐसा कुछ है सीजन, उसके अंदर मेरे ख्याल से सीन था टोमी वाली बात कहीं वहाँ की गई या एक और था, दो तीन सीजन थे यार जिसपे बात रेफरेंस के तौर पर की गई अगर मैं गलत ना हूँ तो, अगर मैं गलत ना हूँ तो, अरे भोसरी वाले चाचा समझ रहे हो ना, अगर मैं गलत ना हूँ। ओवरऑल एक पूरी चस, मतलब देखा तुम लोगों ने एक चीज़ को, मतलब रैप डीमन किस तरह लेके आया भूई मियाँ का रेफरेंस, हाँ वो मेरी जीत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो हमने देखा रिसेंटली जो डिस हुआ था उसमें तलहा यूनस ने भी की, और ये लाइन बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए रेफरेंस के तौर पर भूई मियाँ का, और मोहम्मद अली ऑब्वियसली मतलब कौन नहीं जानता इतने कमाल के बॉक्स देख तलफ़स अच्छा होना चाहिए नहीं तो रैपर नहीं तुम बन सकते। तो रेफरेंस गेम इतनी हाई नहीं थी लेकिन मैं तुम लोगों को जो बता रहा हूँ वो बस हाँ एक दो रेफरेंस थे जो इतने ख़ास थे, बाकी बहुत कूल और मतलब अच्छा। साथ साथ मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूँ, ये गाना बहुत पुराना है ऑब्वियसली तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा अगर तुम इंस्टा पे वही बातें इनको देखते हो, ये गाना बहुत पहले का है, इतनी ठंड हुई हुई है अब तो गर्मी शुरू हो गई हुई है बाबा, तो गाना पुराना है और रूहानी लाज की कहीं ना कहीं बाद में आया क्योंकि तलहा अंजुम कहीं ना कहीं बात कर रहा है रूहानी लाज की, वो शायद ना मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बात की हुई है चैन के का जो सॉन्ग था रूहानी लाज पे, और वो ही ऐसी बात बोलता है कि जब मैं तलहा अंजुम बोल रहा है कि मैं जब पैसे की बात करूँ मुझे पैसा करे मोटिवेट, लेकिन जब मैं पैसे की बात करूँ तो ये ब्रोक रैपर्स को जिस तरह की बात किया कि ये इनको चिढ़ होती है कहीं ना कहीं। तो हाँ मज़ेदार, और मैं तुम लोगों को समझा दिया ना, मैं इसके बीच में कोई डॉक्टरी जोनीसिन डॉक्टर बन के तुम लोगों को समझाना नहीं चाहता, मज़ेदार गाना एक चस है वाइब अलग है, मुझे अच्छा लगा है, उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा, और हाँ मिलता हूँ तुम लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए यस कमांडो।